नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि रूल 38 इंटर सर्कल या फिर इंट्रा सर्कल ट्रांसफ़र के लिए अभी जो ऑनलाइन प्रोसेस हुई है उसमें मोबाइल नंबर मैंडेटरी है, तो अपना मोबाइल नंबर जो है अपने डिवीज़न ऑफिस से आप अपडेट करा सकते हैं। अगर आप अपने डिवीज़न ऑफिस से अपडेट नहीं कराना चाहते हैं तो आप सैप से भी उसको जो है स्वयं अपने एम्प्लॉई पोर्टल पर जाके लॉगिन करके वहाँ से भी अपडेट कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी नहीं देखी है तो अभी मेरी लास्ट में वीडियो के एंड में आपको दोनों वीडियोज़ के लिंक मिल जाएंगे कैसे आप जो है मोबाइल नंबर को अपडेट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में देखेंगे आपका मोबाइल नंबर अपडेट हुआ है कि नहीं, ये हम लोग कैसे जान सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आप सैप को अपने मोबाइल पर ही एक्सेस कर सकते हैं। उसके लिए आपको ये जो अभी स्क्रीन पे आप लिंक देख रहे होंगे, ये लिंक आपको वहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर देना है। तो https://sapep.indiapost.gov.in/irj/portal, जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे या फिर इस लिंक को ऐसे के ऐसे वहाँ पे किसी भी ब्राउज़र में टाइप करेंगे तो आपको ऐसी स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। तो ये जो है सैप की मेन स्क्रीन है, यहाँ पे आपको यूज़र में अपना आईडी डालना है और पासवर्ड में आपको जो उस आईडी का पासवर्ड है वो आईडी पासवर्ड डाल के आपको लॉगिन कर लेना है। तो चलिए लॉगिन कर लेते हैं। तो दोस्तों आईडी और पासवर्ड टाइप करने के बाद में आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे दोस्तों, ये होम पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा एम्प्लॉई पोर्टल का। तो यहाँ पे देखिए आपको होम, एम्प्लॉई सेल्फ सर्विस, एचआर रिक्रूटर और मैनेजर सेल्फ सर्विस यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे अपना एम्प्लॉई सेल्फ सर्विसेज में जाना है, तो एम्प्लॉई सेल्फ सर्विसेज पे क्लिक कर लेना है। तो जब एम्प्लॉई सेल्फ सर्विसेज पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको सर्च का ऑप्शन मिलेगा दोस्तों। तो यहाँ सर्च के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। तो सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए उसके नीचे ही आपको एम्प्लॉई सर्च का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए एम्प्लॉई सर्च का ऑप्शन है, ये देखिए फर्स्ट में ही है, एम्प्लॉई सर्च पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही एम्प्लॉई सर्च पे क्लिक करेंगे यहाँ पे सर्च की स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। तो यहाँ पे आप एम्प्लॉई का या तो फर्स्ट नेम या फिर लास्ट नेम, एम्प्लॉई नंबर में उसकी एम्प्लॉई की आईडी या ईमेल आईडी में ईमेल आईडी डाल के या फिर मोबाइल नंबर से आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है आप अपनी जो है एम्प्लॉई आईडी से सर्च करें, तो एम्प्लॉई नंबर में आपको आईडी टाइप करनी पड़ेगी। अभी देखिए फ़िलहाल नीचे कोई भी डिटेल्स नहीं है। यहाँ पे देखिए लास्ट में गिवन क्राइटेरिया डिड नॉट रिटर्न एनी एम्प्लॉय, तो इसके लिए अभी यहाँ पे देखिए अपनी एम्प्लॉय आईडी टाइप करेंगे। तो देखिए दोस्तों एम्प्लॉय आईडी टाइप करने के बाद में आपको सर्च एम्प्लॉय पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे सर्च एम्प्लॉय। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे जो है आपकी डिटेल्स ओपन हो जाएंगी। तो देखिए दोस्तों नीचे यहाँ पे सारी डिटेल्स आ गई हैं, फर्स्ट नेम में, लास्ट नेम में, एम्प्लॉई का नंबर, वहाँ पे उसकी ईमेल आईडी भी आपको दिखाई देगी, उसका कॉन्टैक्ट नंबर अपडेट हुआ होगा तो वो वहाँ पे अपडेट मोबाइल नंबर भी दिखाई देगा और उसका पैन नंबर भी आपको वहाँ पे दिखाई देगा। तो आप यहाँ से जाके चेक कर सकते हैं आपका जो है एम्प्लॉई पोर्टल में यानी कि सैप CSI सिस्टम में आपका मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी अपडेट हुई है कि नहीं। तो इस प्रकार से दोस्तों आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। अभी आपकी स्क्रीन पे लिंक आ जाएंगे, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं कैसे आप अपनी जो है मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को अपडेट कर सकते हैं एम्प्लॉई पोर्टल में। तो चलिए वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अपनी किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।